सम संख्या का। देखो मान लीजिए कि हमें एक से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, एक से 50 तक की सम संख्या। तो एक से 50 तक की सम संख्या, तो देखो पहली सम संख्या हमारी हो गई, तो फर्स्ट इवेंट नंबर स्टो, और लास्ट जो इवेंट नंबर है वो हमारा 50 हो गया। अब हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं होंगी, सम संख्या होगी जो एक से 50 के बीच में। तो इसका भी फार्मूला हम ये पढ़े थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इवेंट नंबर दो के डिफरेंस पर आता है, तो ए एन हमारा हो गया 50 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन, और डी हमारा कितना है 2, इसमें से इसको घटा लिया, ये हमारा हो गया 48 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, 2 से काटिए ये हो गया 24। तो एन इज इक्वल टू ये माइनस में घर आया, कितना हो गया 25। इतना हम निकालने में अगर हमें जरा से भी परेशानी है तो इसके लिए भी एक ट्रिक, अगर कोई भी संख्या निकालनी है तो हम इसके लिए भी एक ट्रिक ये जान लें। जैसे एक से 50 तक के बीच की सम संख्या निकालनी है, तो पहली सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या 50, तो क्या करते हैं अंतिम में से पहला घटा दीजिए, यानी 50 में से 2 घटा दीजिए, और सम संख्या है तो 2 से भाग दे दीजिए, जितना है उसमें एक जोड़ दीजिए। ये देखो 48 में 2 से भाग दे दिया, एक जोड़ दिया, ये हो गया 24, और एक जोड़ दिया 25 हो गया। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमें 5 से विभाजित होने वाली 1 से 100 तक के बीच की संख्या लेनी है, कितनी संख्याएं होंगी, फाइंड द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 अप टू 1 फ्रॉम 1 टू 100। तो अगर 1 से 100 के बीच में लेना है तो पहली संख्या 5 होगी जो 5 से कटेगी, और अंतिम संख्या 100 होगी जो 5 से कटेगी। अब 5 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो अगर हम ये रूल से देखें तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा हो गया 100 और ए हो गया 5 प्लस एन माइनस वन, और डी कितने, अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 के डिफरेंस पर होगी, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 हुआ। इसको इधर माइनस करेंगे तो 100 में से 5 गया 95, और उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे ये तो हो गया 19, और एक ये जोड़ देंगे तो हो गया 20, कुल 20 संख्याएं होंगे। सिंपली हम इसको कैसे जानें, सिंपली देखो अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए तो ये हो गया हमारा 95, और 5 से कटने वाली है संख्याएं तो 5 से काट ही लीजिए तो ये हो गया 19, और जितना आए उसमें एक जोड़ दीजिए, कुल कितनी संख्याएं होंगी 20 का योग कितना, दो अंक की संख्या, दो अंक की पहली संख्या हो गई 10 और अंतिम संख्या हो गई कितनी 99। ये क्वेश्चन है, दो अंक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 10 से 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हो गया हमारा 99 बराबर ये हो गया 10 प्लस एन माइनस वन, और डी एक एक के अंतर पर है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 89 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 90, यानी 10 से 99 के बीच में जो संख्याएं हैं ये कुल 90 संख्याएं आएंगी। अब हम इनका योग निकाल लेते हैं, इनका जोड़ कितना होगा, तो जोड़ के लिए ये हमारा यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन, सबसे सिंपल पार हो रहा है एन बाई टू ए प्लस एन, एन हमारा कितना आया 90 बाई टू ए प्लस एन 99 और 100 सीधे
हमारा 99 और 10, 100, ये 9, 9, 1, 10 तीन से लिख रहा हूँ, 100, 9, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 45। अब गुणा कर लीजिए, 45 गुणे 109, ये आप मल्टीप्लाई कर 75 से 97 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 75 से 97 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहली संख्या 1 = 75 और अंतिम संख्या L 97। अब कितनी संख्याएं हुई? तो AN = A+N-1 × D। AN दिया है हमारा 97 और A दिया है 75 प्लस N माइनस वन, और जो प्राकृतिक संख्या है उसका सार्वंतर 1 हो गया, पक्षांतर करके घटा दीजिए, तो जब घट जाएगा 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2 बराबर N-1, तो N कितना हो गया, ये माइनस अंदर आ गया 23। और जब N निकल गया तो हम इसका एड निकाल लेंगे, तो SN = N/2, N यानी 23/2 और A+N पहली संख्या और अंतिम संख्या, 7, 5, 12, 9, 7, 16, 1, 17 यानी 23/2 × 172, 2 × 4 = 212, 23 × 86 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सीजीएल में एक क्वेश्चन आया है, 100 से 400 तक के बीच प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा जो 13 से विभाग है? 100 से 400 के बीच प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा जो 13 से विभाग है? 13 से विभाग यानी 13 के डिफरेंस पर संख्या आएगी, यानी हमारा डी बराबर कितना होगा? इतनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य होंगे, इनका योग कितना होगा? यह SSCCGL क्वेश्चन आया, तो पहली संख्या देखो निकालो जो 13 से कट जाए, ये हो गया 100, अब 13 से भाग देते हैं, तो 13 इससे अधिक ही होगा, 8 बार ले जाओ, यानी पहली संख्या होगी जो 13 से कटने वाली संख्या होगी वो AN है, वह होगी हमारी 104 होगी जो 13 से कटेगी। अंतिम संख्या निकाल लेते हैं, AN कितना होगा, तो 400 में 13 से भाग दे लीजिए, अब संख्या इससे ऊपर नहीं कम ही होगी, जब 100 के ऊपर तब ये ज्यादा बात, तो 13 × 39 बचा हमारा 10। ये 0, 10 बच गया, यानी हम 400 में से 10 माइनस कर लेंगे, तो हो गया हमारा 390। अंतिम संख्या जो हमारी निकल गई वह है 390 जो 13 से कट जाएगा, तो पहली संख्या 104, अंतिम संख्या 390। अब चलिए कितनी संख्याएं ऐसी होंगी ये तो अब हम पता कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, पहली संख्या 104, अंतिम संख्या AN 390, 13 से कटने वाली है तो D बराबर कितना 13, तो सूत्र क्या है, AN बराबर A+N-1 × D। अब AN हमारा ये हो गया 390, ए हो गया 104 प्लस N हमें निकालना है और D कितने के डिफरेंस पर आएगा 13 के, घटा दीजिए, तो 390 - 104 = N-1
इंटू 13, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 8 और 3 में से 1 गया 2 बटे 13 बराबर n माइनस 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 13 दूनी 26 बचा 2, 13 दूनी 26 22 आ गया, 22 बराबर n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना 22 से 23, 23 संख्याएं होंगी 100 से 400 के बीच में जो कट जाएंगी किससे 13 से, अब इनका जोड़ निकालना है हमको, तो यस n बराबर n बाई 2 a प्लस l, n हो गया हमारा 23 बटे 2 और a हो गया हमारा 104 और n हो गया हमारा l 390, अब ये कितना हो गया 23 बटे 2, ये जोड़ लीजिए 4 9 और 3 एक 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 सटे 14, यानी 23 गुणे 247, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 301 क्वेश्चन दिया है, यही ये क्वेश्चन भी पूछा गया है NTPC 2017 में आया है, 301 से 501 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग कितना होगा, पहली संख्या 301 है, दूसरी अंतिम संख्या 501 है, ऐसी संख्या इसके बीच जो 7 से कट जाए, तो सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं, एक कैसे निकालेंगे 301 में 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28 बचा 2, 1 21, 7 21 यानी 7 से ये कट गया, तो पहली संख्या a हमारा क्लियर हो गया 301 ही है। अब ये हम देखें 501 an निकालने के लिए 501 में 7 से दे देंगे, वहाँ 7 सते 49 बच गया कितना 1 0 11 हो गया कटेगा नहीं, 7 एक के 7 कितना रिमाइंडर आया 4, यहाँ हम आपकी सुविधा के लिए भाग दे रहे हैं, 501 में हमने दे दिया भाग 7, 7 सते 49 बचा 1 0 7 एक के 7 सॉरी ये 1 आया, ये हो गया हमारा 4, 4 बच गया यानी 501 में से 4 घटा देंगे, 11 में से 4 गया 7, ये 497 अंतिम संख्या हमारी निकल गई, ए या बराबर है 497, पहली संख्या 301 ही है, अंतिम संख्या 497 है, 7 से दे देंगे बाद ये कट जाएगा, अब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो आइए अब ये निकाल लेते हैं कितनी संख्या होगी, तो या तो फार्मूले पर रखिए नहीं तो सीधा इसका ट्रिक, इस अंतिम में से ये घटा दो, घटा लीजिए हमने घटाया कितना 497 अंतिम पद में से पहला पद में से 301 और जिससे विभाजित होने वाली संख्या जो कॉमन डिफरेंस उससे भाग दे दीजिए, जितना आए उसमें एक ऐड कर दीजिए, चलिए 7 में से 1 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 3 गया 1 बटे 7 प्लस 1, 7 दूनी 14 बचा 5 और 6, 7 बटे 56 28 और 1 कितना हो गया 29 हो गया 29, ये 29 संख्याएं होंगी 301 और 501 के बीच में जो 7 से कट जाएंगी, अब इनका हम योग निकाल लेते हैं, योग निकालने के लिए फिर वही फार्मूला यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, अब एन 29 बटे 2, ए पहली संख्या 301 अंतिम संख्या हमारी आई 497 जोड़ लीजिए 29 बटा 2 गुणे 1 और 7 8 9
और तीन और चार सात, सात से भाग दे दीजिए, दो से दो तीन छः, बचा एक और नौ, दो नवा अठारह और दो नवा अठारह, यानी 29 गुणे 399। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी तरह के कुछ अगले मेथड से क्वेश्चन हम कल लेंगे, कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।